पन्नियों के लेके आपकी क्या राय है? पन्नी का ये बता जा रहा है कि पन्नी 40 मैचों से कम ना चलाई जाए, तो बेहतर है। गवर्नमेंट ने जो आपके आदेश किए हैं, गवर्नमेंट के आदेश हुए हैं हाई कोर्ट उसके आने के, तो ये बेहतर है कि 40 माइक्रोन से नीचे ना चलाए, क्योंकि 40 माइक्रोन से नीचे पन्नी होती है तो आदमी ज़्यादा मीट यूज़ करता है। थिकनेस वाली पन्नी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है तो उसमें लोग कम यूज़ करते हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि कैरी बैग जो है कैरी बैग बहन है। अब जैसे ये पन्नी है, ये पैकिंग मटेरियल में आता है, ये पन्नी गवर्नमेंट की तरफ से पास है, पैकिंग मटेरियल है। इसमें कहीं हम हैंडल लगाते हैं, लूप लगाते हैं, हैंडल बनियान बोलते हैं उसको हम लोग अपनी भाषा में, तो बनियान जैसे ही हो जाती है तो उसको पन्नी बैंड कर देते हैं। मतलब हैंडल या कुछ भी अगर छेद उसमें कर देंगे तो बैंड हो गई, वो बैंड हो गई। हाँ, ये पैकिंग मटेरियल में इसमें हम लोग बेचते हैं ये। अच्छा, गवर्नमेंट हिसाब से ये पन्नी ऐसे एज इट इज पास है? जी, ये पास है, पैकिंग मारते, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ पैक होती हैं, चिप्स हैं, चावल वगैरह सारी चीज़ों के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने पास की है। और ये कह रहे हैं कि कागज़ चलाइए, ठीक है, कागज़ हम लोग चलाए रहे हैं, बेच भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक कागज़ कितना यूज़ हो जाएगा, क्योंकि कागज़ जो बनता है वो पेड़ काट के बनते हैं, और जब पेड़ जब कट जाएंगे तो ऑक्सीजन में कितनी कमी हो सकती है, आप कुछ समझ सकते हैं? वो जो चीज़ है, क्योंकि कागज़ से, कागज़ एक पेड़ से ही बनता है, तो उससे जब वो काट लें तो आप कुछ समझ सकते हैं कितनी, तो मतलब आपके कहने का मतलब है उससे भी पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ेगा। माइक्रोन से उन्होंने कहा है कि 40 माइक्रोन से नीचे बैन है वो सही, बिल्कुल मैं बेहतर हूँ। हम लोग खुद यहाँ कपड़ा बैग पेपर बैग बेच रहा हूँ, जो मैंने सेल की, तो ये आप मुझे कुछ दिखा सकते, नमूना दिखा सकते 40 माइक्रोन के ऊपर का, मतलब 40 माइक्रोन दिखाओ बेटा, पेपर बैग उठाओ, पन्नी भी दिखा दीजिएगा मुझे, पन्नी भी दिखाओ, ये रखो पेपर लो, पूरा ये 40 माइक्रोन, ये पेपर बैग है, पूरा पन्नी भी लो, ये पॉलिथीन वगैरह, ठीक है। ये कितने माइक्रोन की है? ये 50 माइक्रोन प्लस है, 50 प्लस, 50 प्लस है। ओके, तो ये बैन नहीं है? ये बैन नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से, इसका उत्पादन मतलब कहाँ से क्या है? आपके ये फ्रेश ही पन्नी होती है, फ्रेश से बनती है, ये फ्रेश बनती है, फ्रेश पन्नी है ये, मतलब मिसयूज भी इतना आदमी नहीं करता इसको, आदमी जो लेता है दोबारा उसको दोबारा यूज़ कर लेता है। अच्छा, तो पन्नी हल्की मार्केट में चल रही है, सब्जी वब्जी हल्की चलाते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने बंद किया तो मैं भी बेहतर हूँ, वो बात वो अच्छा वो बनूँगी। अच्छा, तो मेन मकसद ये है कि आप मुद्दे बात करते हैं कि आप जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, और जैसे कि अभी बीच में पाबंदी लगाई थी 21 जनवरी, आज भी बंद है, 21 जनवरी 2016 को एक टीम निर्धारित की थी नगर निगम के साथ में, ठीक है, सहायता से, तो एक दस्ता आया था जो आता था, तो आप लोग को पन्नी बैन के लिए आप लोग को दुकान बंद करके हटना पड़ता था। जी जी, हाँ, तो उसके प्रति आपकी क्या राय है? देखिए, वो कोर्ट के आदेश थे, तो आदेश का पालन तो पुलिस को करना ही करना है, ठीक है, और पुलिस को वो सही भी काम करती है तो पब्लिक उसको बदनाम करती। उसके लिए आपको कोई नोटिस दी गई थी? नोटिस हम लोगों को मेरे अध्यक्ष रवि जैन साहब हैं, उन्हीं ने नोटिस दी थी कि आप महीन पन्नी पर ना बेचिए, उन्हीं ने बता दिया था, और फ़ोन कॉलिंग वगैरह आया करते हैं, बात हुआ करती, बस मना करते हैं, मेरे रवि जैन साहब हैं वो मना करते हैं, बहुत सख्ती से मना करते हैं, उन्हीं ने पर्चे भी हम लोगों को दिए हैं कि 40 माइक्रोन से नीचे ना, आप ना बेचिए, कहीं आप पकड़े जाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, अध्यक्ष साहब की नहीं होगी। अच्छा, 40 माइक्रोन से नीचे की जिम्मेदारी? हाँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब गवर्नमेंट, आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने 40 माइक्रोन से नीचे की पन्नी बैन कर रखी, 40 से ऊपर आप बेच सकते हैं? 40 के ऊपर बेच सकते हैं, ठीक है, वो बेच सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश माल होता है, फ्रेश माल होता है, ठीक है, फ्रेश माल।